मौसम के हिसाब से पता चलता है पक्षी। कभी भी इन्होंने इकट्ठा करके नहीं रखा, जो मिला वो खा लिया। सारा समुंदर उसका आरोप कर रही है। सो गाइस अपने ऊपर है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं आज आपको, क्योंकि आज और पहले में बहुत अंतर है। तो गाइस सामने समुंदर है और समुंदर के बीच में एक छोटी सी नदी बह रही है, और इस नदी के अंदर मतलब बहुत लोग आने जाने, मैं भी नदी के अंदर गया, पानी बहुत कम है यहाँ पे। अभी देखते हैं पानी और कम होगा कह रहे हैं उस जाने के मंदिर उस तरफ। और पहले सर आर्मी वालों का कैंप लगा है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। सो गाइस मुझे तैरना नहीं आता पानी में, तो मैं थोड़ा सा पानी में जाऊँगा। और ये अंकल है, क्या नाम है अंकल आपका? तखुबा। कहाँ से हो आप? यहाँ पे द्वारका से हो। तो ये मेरे को बचाएंगे पानी में अगर मैं डूब गया तो। तो पहली बात है मैं पानी में जाऊँगा ज़रूर, पर देखते हैं कितना अंदर तक जा सकता हूँ। अब ये लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बीच देखा होता वो लोग सबसे ज़्यादा पागल हो जाते हैं, सही है ना दादा? जिन्होंने फर्स्ट टाइम समुंदर का तट देखा हो वो क्या सोचेंगे, हाय समुंदर खींच लेगा हमें, ये कर देगा वो कर देगा। नहीं नहीं, नहीं अपना मालिक कुदरत है, भगवान है, बावन गति सजा वाला है, किसी को मारता नहीं है, वो बचाता है। सामने आर्मी वालों की आप देख रहे हो नाव है, सामने आर्मी वालों की, पर वो नाव तक जाना, नाव आगे चली गई, वो गई मच्छी पकड़ने। नहीं मच्छी नहीं पकड़ रहा है, द्वारका भूमि ढूंढ रहा है सोना का नगरी। अच्छा, सोना का नगरी ढूंढ रहा है। तो है नीचे सोने की नगरी, हो सकती है? अरे वो सकती नहीं है, मिलता है सब कुछ लेके सोना, तो सोना असली का सोना मिलता है यहाँ, असली असली सोना। ये नगरी यहाँ है अभी आने वाला ही है। अच्छा, अभी ये सब मरी आने वाला है। अच्छा, अभी चार सब मरी इधर आएगा, चार बेट द्वारका में उतारेगा, मोदी 22 तारीख को आएगा। अच्छा, ये सब सब मरी वो नाव जो हो ने अंदर, अभी 25 आदमी अंदर पड़े हैं दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर 25 आदमी। हाँ वो अंदर ढूंढते हैं। हाँ वो ढूंढते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसका कंप्यूटर लग गए। तो मतलब द्वारका सोने की नगरी मिलने की चांस है? ये नहीं हो, मिल गई आधा तो मिल गया इधर से, सोना मिला। हाँ सोना लगा उसमें? अरे सोना किया पूरा, मूर्ति निकालता है कोई, घंट निकालता है कोई, खजाना निकालता है। अच्छा, सब कुछ निकल के जाता है। यहाँ पे चोखा पानी है, 4 महीना चोखा पानी है, सब कुछ मिल जाता है। मतलब पानी भी कम है? पानी कम नहीं, पानी चोखा है। चोखा क्या होता है? अभी यह शुद्ध पानी है। अच्छा, साफ है। हाँ इसको बोलते चोखा। इसमें आप रुपया डालोगे तो रुपया निकल जाएगा, निकल जाएगा, अभी रुपया दिख जाएगा, मतलब प्योर वाइट पानी है गाइस, देख सकते हो मेरा। ये देखो, ये मेरे पैर भी दिख रहे हैं इसमें, और अन्ना के भी पैर दिख रहे हैं अच्छे से, इसी से पता चलता है कितना पानी साफ है। 4 महीना साफ रहता है, उनाड़े में थोड़ा देर हो जाता है, बाकी चौमासे में ऊपर इसके ऊपर चढ़ जाएगा पानी, वहाँ तक चला जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, इसके भी ऊपर चला जाएगा पानी इतना बारिश के टाइम में। बारिश के टाइम में, बारिश के टाइम में 4 महीना इसको जाने का परमिशन नहीं मिलता है। ओके, अभी ये 4 महीना मिला, 8 महीना उसको परमिशन मिलता है। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, एक अन्ना क्या करते हैं? वो तो भगवान का मूर्ति बना। अच्छा, ये मूर्ति बना रहे हैं? वो तो भाई पूछते हैं, आपको आती गुजराती? पूछो, आपको हिंदी आती है? हिंदी हिंदी बनाओ जाए, एम के एस के हां नाम बनाते
क्या बनाते हो? यस्की। वो क्या आता है? वो शाओलिंग मिंग का बोल रहा है। अच्छा, बड़ा बना देता हूँ। अच्छा, तो वो क्या बना रहे हैं परली तरफ? वो भी खाली ये सही टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास समुंदर में आता है। भैया मुनी नीचे भैया था भैया हम जो सो कहीं देख सकते हो आपके सामने है। ये भी शिवलिंग एक रेडी कर रहे हैं। कुछ और बनाना था आपको इसके अलावा? તમે નામ જો તમને કહે છે તમારો વિડીયો આવો આખો ચેનલની અંદર આવી જશે આ બધા ચેનલ વાળા જે છોટા બચ્ચા ભી લગાયા સાથ મેં દેખ સકતે હો ઓર યે દેખો બના દિયા યે દેખો આ બધા ચેનલ વાળા જે શું કામ છે તમારું આણંદ ટોન માં તમે આવો ટીવી માં સો ગાઈસ દેખ તો ચાર ઓડ 1 2 3 4 और ये पूछते हैं इनसे क्या नाम है सभी का? मेरा नाम बारुण भाई है। ईश्वर ईश्वर राजा भाई राजा गाजब राजा 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 रबारी। ये आपके कान में क्या लगा है? कुंडल। इसको कुंडल बोलते हैं। ये सोने के ओरिजिनल है। कितने तोले के हैं? एक तोले के हैं। ये पूरा सोना डाला हुआ है अपने। ये कंठल भी सोने का है। तो ये आप ऊँट का चला रहे हो? ये ऊँट कहाँ से लेकर आए हो आप? गुजरात में भी मिलते हैं। तो ये कितनी सवारी पे कितना कितना रेट होता है इसका? एक गेड़ के कितने लेते हो? क्या लेते हो? 50 जितने में कस्टमर टिक जाए। कस्टमर जैसा हो सौ वाला लंबा होता है 50 वाला छोटा होता है। अच्छा, तो इस एक ऊँट में कितने बैठ जाते हैं सवारी? दो। एक बच्चा बीच में बैठा के तीन हो जाते हैं, चले जाते हैं। सभी के ऊँटों के क्या क्या नाम रखे हैं? बिखालाल। बिखालाल क्या नाम इसका रखा? बिखालाल है। बिखालाल बिखालाल किसका 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 क्या बोले हो? इसको ये चना वाला है। अच्छा, चना वाले है। हाँ, ये तो बेलपुरी वाले है। ये भेटपुरी नहीं है, चना वाला है। सो गाइस इसकी सवारी भी करेंगे थोड़ी देर तक, देखते हैं। और आप भी ऊंट की सवारी करेंगे? सो देख सकते हो आप, आपके सामने हैं अभी ऊंट पे बैठ चुके हैं। ये भी आ चुके हैं, देखते हैं मजा कितना आता है। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको? नहीं यहाँ पे कितना टाइम हो गया ये करते करते? ऊँट की सवारी वो 20 साल से चला है। 20 साल हो गया। सो गाइस आपके सामने 20 साल हो गए इनको यहाँ पे ऊँट की सवारी करते करते। और सामने आपको फिर मैं बता देता हूँ, वो सामने आर्मी की नाव है। और यहाँ आसपास आपके सामने हैं छोटे छोटे, और सामने पक्खे लगे हैं रिफ्लेक्टर वाले। अरे आजकल के लोगों ने क्या क्या बना के रखा है आप देख सकते हो। दिल बना के एम एस कर दिया। ये कुछ खाने को देख रहा था। इसके ये नाक में क्या लगाया आपने? ये ब्रेक है, ब्रेक इससे कंट्रोल होते हैं। अच्छा, कंट्रोल होते हैं। हाँ। नहीं तो ये भाग जाएंगे, लड़ेंगे। बहुत करते हैं, काटता भी है। ये हिलता है। अच्छा, सो गाइस पीछे देखो मेरे आर्मी वाले आ रहे हैं। ये देखो घुमा दो भैया। एक वीडियो तो गुरदासपुर पक्की होगी। सो गाइस पहला ये, अब दूसरा देखते हैं। ये वाला रेसिंग कर रहा है, रेसिंग भी देखेंगे। और सामने आप देख सकते हो द्वारका। यहाँ पे कितने मंदिर है टोटल? हैं बड़ा मंदिर एक ही है। अभी बैठे क्या जी? नहीं नहीं। अच्छा,
ये देखो गाइस छोटा सा बच्चा है, लोग यहाँ मस्ती करने आते हैं द्वारका में। और सामने फौजियों का कैंप लगा हुआ है, तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। कह रहे हैं सोने की नगरी है द्वारका और हम ढूंढेंगे तभी आएंगे। ये देखो ये देख लो, ये इन्होंने इतनी अच्छी सवारी कराई है इस चीज़ की। और ये इसको खाना क्या खिलाते हो यहाँ पे राजस्थान में? तो मैंने देखा है यहाँ पे खाना क्या खिलाते हो? घर पे खिलाते हैं। घर पे खिलाते हो मतलब यहाँ नहीं खिलाते? एक टाइम का खाना होता है यहाँ पे। अच्छा घर पे जाके खिलाते हो आप? मूंगफली आता है, मूंगफली 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 का जो आता है दाना वो सब खिलाता है। अच्छा वो सब खिलाते हैं इसको? वो लेके आता है, बहुत महंगा है वो मूंगफली का दाना। दाना नहीं देता है, उस बार जो भूखा आता है मांडवी का बी निकल गया उसका जो भूखा रहता है वो भूखा यही खाएगा। बाद में ये चरा खाएगा। ये देखो सामने सामने है ना, सामने वनस्पति चरा खाता है, वनस्पति भी खाते है। आप देख सकते हो आपके सामने है ये सवारी का है। ये हर एक का अलग अलग रेट होता है, हर जगह का अलग अलग रेट है। पर यहाँ मेरे को हाँ एक चीज़ है, यहाँ धोखेबाजी नहीं मिली जैसे मेरे को वहाँ पे मिली थी आपके सामने बॉर्डर पे। पर ये चीज़ नहीं यहाँ मिली, यहाँ पे जो एक रेट है वही रेट पे ही ये घुमा के लेकर आते हैं। ये नहीं है कि आपको दूर लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, पैसे कुछ हड़पेंगे, ऐसा कुछ काम नहीं है यहाँ पे। पहले जो बताते वही वो आपके पास ठीक है, मेरे साथ हो चुका है ना वहाँ पे, तभी मैंने आपको बताया कि एक कस्टमर थे मेरे को मिले। सो गाइज इनका हम कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हैं अभी। आपका नाम पूरा और नंबर बता दो। बीरा भाई, हीरा, हीरा भाई, हीरा गोल्डन का हीरा और डायमंड होता है ना, आप गोल्डन हो, आपको डायमंड लिखा है आपने, ठीक है। और आपका मोबाइल नंबर क्या है? 96 78 78 0 85 49 49। आगे 49। ये फिर से नंबर बोलना सही से, रिपीट से आप बोल दो सही से। 7874 7 4 7 4 2 6 2 6 5 8 4 5 8 4। सो गाइज ये इनका नंबर है, बाकी ये भाई साहब बताएंगे आपका नंबर क्या है। अभी आपका नाम सेम ही है, एक ही है, ठीक है। इन भी एक कॉल आया है, ध्यान रखना। ये क्या चीज आप ले रहे हो, ये क्या खाते हो? मसाला है, मसाला मावा, मावा बोलते इसको, मावा बोलते। अच्छा सुपारी, सुपारी। अच्छा यहाँ पे सारे यही लेते हैं सुपारी भी। हाँ सुपारी और पानी खाते हैं, बड़ा टेस्टी रहता है। सो गाइस ये आर्मी वाले हैं, ये देखो ट्रेनिंग इनकी चल रही है, क्या से क्या लेके जा रहे हैं। ये देखो जो जनरेटर है वो सामने लेके जा रहे हैं, और देखो कितना टाइम लगता है इनको, देख लो कितने जने हैं ये। अब इनको उठा के रखना पड़ेगा, पानी कम हो गया, ये उधर लेके जाएंगे।